हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं एक पंजाबी सब्जी बना रही हूँ जो चीज कॉर्न पालक है उसका नाम। इसके लिए मैंने 1 किलो पालक को ब्लांच करके प्यूरी बना ली है। ये 1 कप मकई के दाने हैं जो बॉईल किए हुए हैं, 2 बड़ी प्याज है जो मैंने बारीक चॉप की हुई है, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, इसके लिए मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 6-7 लाल हरी मिर्च और 8 से 10 मैंने लहसुन लिए थे उसको मैंने क्रश कर लिया है, ये 2 क्यूब चीज का था जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है, और ये 1/2 कप घर की दूध की मलाई है वो है, और रूटीन के मसाले। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 6 बड़े चम्मच तेल गरम करने के लिए रखा है। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच में जीरा डालूंगी। जब जीरा क्रैकल होना शुरू हो जाए, देखिए ये जीरा क्रैकल शुरू हो गया है होने के लिए, अब इसमें मैं ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो डालती हूँ और इसको अच्छे से भूनना है। अगर हमारी ये तैयारी हो तो ये सब्जी हमारी 5 से 7 मिनट में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा भुन गया है अभी। अब इसमें ये बारीक चॉप की हुई प्याज डालूंगी। और इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे ताकि हमारा प्याज जल्दी पक जाए और थोड़ा सा ब्राउन हो जाए जल्दी। ये देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है, सारा तेल बाहर निकलना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें ये हमारे बॉईल किए हुए मक्के के दाने हैं वो डालती हूँ। अभी मैं हमारे मक्के के दाने बॉईल किए हुए हो और पालक की पूरी तैयार हो, रॉ मटेरियल जो भी इसका बनाने के लिए सब्जी बनाने के हमारी तैयारी हो, तो ये 5 से 7 मिनट में हमारी सब्जी बन जाती है। अब इसको 2 मिनट ऐसे ही भूनना है इसको। अब इसमें हम सारे मसाले करेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, हम चीज भी डालने वाले हैं इसमें तो नमक थोड़ा ध्यान से डालेंगे। और अभी कस्तूरी मेथी 1 बड़ी चम्मच ली है, उसको हमने हथेली में लटक के ऐसे मसल के डालेंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर डालेंगे। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर बाद में हम इसमें ये हमारी पालक की प्यूरी है वो डालेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स करना है। फिर अब आंच तेज करनी है अभी ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए।
देखिए 5 मिनट के बाद हमारी सब्जी अच्छे से उबल गई है। अभी अब आंच को धीमी करके हम इसमें ये हमारी घर की जो मलाई है वो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा रंग हो गया है इसका सब्जी का। देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसको हम ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। ये देखिए अच्छा से हमारी सब्जी अब उबल रही है। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसके बाद 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करना है। नींबू का रस डालने से ये सब्जी का कलर हमारा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और फिर हमने इसमें खटाई के लिए टमाटर नहीं डाला है तो उसकी खटाई भी थोड़ी आ जाएगी। फिर इसमें ये जो हमने चीज क्यूब कट कट के रखे हैं वो सारे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए चीज क्यूब आप खाने बैठो तभी उसमें डालना, पहले से मत डालना, क्योंकि पहले से डाल दोगे तो गर्म सब्जी में चीज मेल्ट हो जाएगी तो ये सब्जी खाने में मजा नहीं आएगा। ये देखिए अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। तो हमारी ये चीज कॉर्न पालक की सब्जी अभी तैयार है। अगर ये रेसिपी मेरी आपको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।